आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, आज से ठीक 3 दिन बाद बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध सूर्य के साथ होगा। सूर्य बुध का बुध आदित्य राज होगा और बुध जाते जाते साल के अंत में आपकी झोलियां भरेगा, आपको पैसा देगा। अब बात यह आती है कि मैं बोल देता हूं छप्पड़ फाड़ के देगा, तिजोरियां भरेगा और लोग फिर मेरी मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि आप गुरुजी बोलते रहते हो, हमारा तो कोई तिजोरी नहीं भरी, कोई छप्पड़ नहीं फाड़ के आया, कुछ नहीं मिला हमें। लेकिन मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं और जो मैं उनको यहां लाना चाहता था पर्दे पर, मैं आपको पर्दे पर दिखाऊं, लेकिन मैंने उचित नहीं समझा कि मैं कभी अपने क्लाइंट को इस तरह से प्रमोट नहीं करता कि आप मेरे फेवर में 2 शब्द बोल दो। क्योंकि अगर मेरी वॉइस में दम है, मेरी बुद्धि और ज्ञान में अगर दम है, तो लोग मेरे से प्रभावित होंगे। चंद कुछ लोग अगर मैं खड़े कर दूं यहां पर ला करके, देखो रावत जी ने हमारे लिए ऐसा बोला था, ऐसा हुआ और ऐसा हो गया, वाह बहुत बढ़िया बताते हैं रावत जी, उससे कुछ हल नहीं होगा। मैंने कोरोना काल में जब लॉकडाउन चल रहा था तब भी मेरे एपिसोड लगातार आ रहे थे और तब भी मैं कह रहा था कि करोड़ों कमाओगे, तब भी मैं कहता था अरबपति बनोगे, तो लोग उस समय मजाक उड़ाते थे। मैं एक बैका आपको गफ्फार मार्केट का सुनाता हूं। गफ्फार मार्केट मोबाइल की मार्केट है, तो वहां सब उस टाइम तो खाली बैठे थे खाली बैठे थे तो यूट्यूब पर मेरा वीडियो देखते रहते थे। अब 2-4 लोग इकट्ठे हो गए, उनके देखो रावत जी को कह रहे हैं कि इस समय आप करोड़ों कमाओगे, तो इस समय लॉकडाउन में करोड़ों कहां से कोई कमाएगा। ऐसे ही कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे कि देखो रावत जी कह रहे हैं करोड़ों कमाओगे, और सच ये था कि लॉकडाउन खुलने के बाद उन लोगों ने करोड़ों कमाए। गफ्फार मार्केट में 10 मेरे ऐसे क्लाइंट थे जिन्होंने 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 करोड़ रुपए कमा लिया। उन्होंने मुझे वास्तु विजिट के लिए बुलाया, ऐसे हाथ जोड़ करके मार्केट में लोग खड़े थे कि गुरुदेव क्या प्रोडक्शन करी आपने। हम तो सोच नहीं सकते थे कि लॉकडाउन हमारे लिए कुबेर बन के आएगा। लॉकडाउन में चाइना से माल बंद हुआ, उन्होंने वो रिजेक्टेड माल ठीक कर कर करके भेज दिया, मोबाइल का, एक्सेसरीज का, और उसमें उन्होंने किसी ने 5 करोड़, किसी ने 7 करोड़, किसी ने 10 करोड़ ऐसे कमा लिए और अपना कर्जे हटा दिए। बोलते हैं ग्रहों में इतनी पावर है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं जी हमने भी लाखों करोड़ों कमाए। किराने वाले, दूध वाले बोलते हैं गुरु जी कमाल है आपकी प्रोडक्शन, हम घर में बैठ के सुनते थे तो हमें फुर्सत नहीं थी काम की। कुबेर का चक्र कभी समाप्त नहीं होता, समय की गति कभी नहीं रुकती, पैसे का फेर कभी स्टेबल नहीं हो सकता। आप सोच रहे हैं पूरे वर्ल्ड में धन कहीं ना कहीं रुक जाएगा, धन कभी नहीं रुकता। लक्ष्मी कभी एक जगह स्टेबल होती नहीं है, चलती रहती है, वो चलती रहती है। यही सोच करके हमने आपको बताया था कि पैसा तो आएगा, लेकिन बहुत अपार लोगों के पास पैसा आया, कुछ लोगों का गया, कुछ का आ गया। इसलिए लक्ष्मी चंचला होती है और कुबेर का पहिया और धन का पहिया और धर्म का पहिया और समय का पहिया ऐसे ऐसे चलते रहते हैं और ग्रह कभी रुकते नहीं है। अगर ग्रह रुक जाएंगे तो सब सर्वनाश हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बुध जाते जाते 6 राशियों के लिए बड़ा जबरदस्त है, लेकिन उनको यह तभी फायदा देगा, आपकी जन्म कुंडली जो है उस कुंडली के अंदर बुध की यही स्थिति इन्हीं भावों में होगी, तो ये ध्यान रख लें। और जो मैं ये फलादेश बताता हूं कि 6 राशियां, ये 6 लग्न वालों की बात कर रहा हूं मैं। राशियां तो हम इसलिए बोल देते हैं कि लगन की नॉलेज लोगों को होती नहीं है। लगन के आधारित अगर गोचर आप देखोगे तो 100% फल मिलेगा, 100 में 100 मिलेगा। राशि पर अगर देखोगे तो 70-80% आपको इसका फल मिलेगा। यह है ज्योतिष की एक्यूरेसी। लोग आ रहे हैं अभी लॉकडाउन खुलने के बाद आ रहे हैं, सब कहानी बता रहे हैं कि गुरुजी 6 महीने सुना आपको, कमाल है कमाल है, हमने बड़ा पैसा कमाया, बड़ा पैसा कमाया।
लोग तो कहीं मिठाई का डब्बा देके जाते हैं, लिफाफा खोलता हूं तो किसी में 11,000 है, किसी में क्या, उनसे ये बस आपकी वजह से कमाया है। मित्रों, ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकती, ज्योतिषी गलत हो सकता है, हमारी वाणी गलत बोल सकती है, लेकिन ज्योतिष के सूत्र गलत नहीं हो सकते। चलिए मैं आज आपको बताता हूं, साल के अंतिम एपिसोड चल रहे हैं, नए साल की शुरुआत की हमने राशियां फल दे दी आपको, नए साल में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। वो कौन कौन सी राशियां हैं जिन पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, खूब पैसा आएगा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। शुरुआत करते हैं, जहां जहां पर बुध और सूर्य का बुध आदित्य राजयोग केंद्र और त्रिकोण में आ जाएगा वहां वह अच्छा फल करेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम कि कौन कौन सी राशियों में यह योग बनेगा। मेष राशि, यह बुध आदित्य राजयोग भाग्य स्थान पर है, गजब का है, बहुत ही शानदार। मेष राशि वालों के लिए भाग्य से धन की प्राप्ति होगी और दिमाग और बुद्धि से स्टॉक मार्केट से शेयर बाजार से अच्छा पैसा कमा सकते हो, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यहां पर सूर्य भी बुद्धि स्थान का स्वामी भाग्य स्थान पर बैठा है, दिमाग और बुद्धि और भाग्य सब आपके काम करने वाले हैं और सब आपको लाभ मिलने वाला है, इसका बेनिफिट आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। अगली राशि हमारे पास में स्वयं मिथुन, मिथुन राशि का स्वामी बुध अपनी राशि को देखता है, अपने घर को देखता है, अपनी लग्न को देखता है। जो ग्रह अपनी राशि को देखता हो वो स्वराशि का या उच्च के फल के बराबर फल देता है, तो मिथुन राशि में आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, सुख साधन मिलेंगे, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, सूर्य बुध का बुद्धादित्य राजयोग जब बनता है तो द्वय मैरिज यानी दो शादी का योग बन जाता है, तो यहां पर द्वय पत्नी योग बनता है, रीमैरिज के योग भी आपके बनते हैं, यहां पर कर सकते हैं, तो जबरदस्त आपको लाभ यहां पर मिलेगा। अगली राशि हमारे पास में सिंह है, सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो यहां लाभ और धन, लिक्विड कैश और व्यापार, इन दोनों का स्वामी होकर के बुध सूर्य के साथ बैठ गए, सूर्य और बुध की युति हो गई है यहां पर, सूर्य बुध की युति बुद्धि स्थान पर है, दिमाग और वाणी, वाणी और बुद्धि उससे पैसा कमा सकते हैं, जैसे वकील है, लेक्चरर, प्रोफेसर, कंसल्टेंट हैं, दलाल हैं, सीए हैं, ये इस तरह के जो लोग होते हैं, लेजेंड वर्क करते हैं, उन पर बहुत पैसा आने का योग बनता है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की, कन्या राशि वालों के लिए बड़ा जबरदस्त योग बनता है, यहां भी अपार धन आने का योग बनता है, तिजोरिया बनने का योग बनता है, क्योंकि यहां केंद्र में बहुत अच्छी पावरफुल स्थिति में आ रहा है, लेकिन यहां पर काल सर्प योग का प्रभाव है, उसका ध्यान रखना है, पितृदोष का प्रभाव है उसका ध्यान रखना है, और मंगलिक योग भी यहां पर थोड़ा बना हुआ है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहेगा, तो आप भी बहुत भाग्यशाली हैं, आपके लिए भी काफी अच्छा होने वाला है। अगली राशि हमारे पास में जिसमें ये राजयोग बनेगा वो है धनु राशि। धनु राशि में कैरियर का स्वामी बुध आपकी राशि के अंदर बैठा हुआ है, विवाह स्थान का स्वामी भी बैठा हुआ है और भाग्य के साथ बैठा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है, बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है, दो राजयोग बने हुए हैं, बहुत ही पावरफुल है, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप पन्ना पहन के रखें तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, बहुत ही लाभदायक योग बनता है। तो आपने देखा कि ये जो छह राशियां हमारे पास में इनका जबरदस्त लाभ मिलता है। अगली अंतिम राशि बनती है मीन, मीन राशि वालों के लिए सुख साधन, पत्नी स्थान का स्वामी आपके कैरियर स्थान पर है, यहां पर भी एक योग बहुत ही शानदार योग बनता है, तो बुध यहां पर अच्छा पैसा देगा, लेकिन यह तभी देगा जब यही स्थिति आपकी कुंडलियों के अंदर बनी होगी। तो अगर आपकी मीन राशि है, बुध और सूर्य बाई बर्थ अगर दशम में बैठे हैं तो आपको मिलेगा, अगर आपकी ये राशि नहीं है, धनु राशि है, धनु राशि के अंदर लग्न में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं तो आपको पैसा मिलेगा, आपकी कन्या राशि है, आपके बुध और सूर्य चौथे भाव में बैठे हैं तो पैसा मिलेगा, आपकी मिथुन राशि है सप्तम भाव के अंदर बैठे तो मिलेगा, आपकी सिंह राशि है तो आपको मिलेगा, आपकी मेष राशि है तो आपको मिलेगा, लेकिन जहां जहां पर भी ये मैंने बताए वहां वहां पर अगर ये बैठे हैं तो ही जाकर के आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं ये उतार चढ़ाव में हो सकते हैं, फिर जहां आपको करोड़ों मिलना चाहिए वो लाखों में मिलेगा, जहां लाखों मिलनी चाहिए वहां पर आपको हजारों में मिलेगा, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। मित्रों, ये था सूर्य का बुद्धादित्य राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग। आप भी जानना चाहते हैं अपने बारे में,
आप भी अपनी कुंडली के पूरे साल का विवरण जानना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। वास्तु विजिट के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कुंडली मिलान के लिए संपर्क कर सकते हैं। साथ में डिलीवरी मुहूर्त, आपको डॉक्टर ने बच्चा बोला है कि आपका ऑपरेशन से होगा, तो अच्छी लगन बन जाए, अच्छी राशि बन जाए, अच्छा नक्षत्र में बच्चा पैदा हो जो आपके माँ बाप के लिए भाग्यशाली हो, परिवार के लिए भाग्यशाली हो, स्वयं के लिए भाग्यशाली हो, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।